अस्सलाम वालेकुम प्रो पाकिस्तानीज, मेरा नाम है अकरम अली और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तानी टेक। दोस्तों, रियलमी एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही कम टाइम में अपना बहुत ही अच्छा मार्क सेट किया है, स्पेशली अमंग पाकिस्तानी ऑडियंस, क्योंकि पाकिस्तान में इनको इतना वक्त नहीं हुआ, बट दे हैव बिकम क्वाइट पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर यू नो इम्प्रोवाइजेशंस इन टू स्मार्टफोन्स और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के स्मार्टफोन्स और मीडिया टेक की वजह से दे हैव बीन डूइंग क्वाइट वेल। दोस्तों, आज मैं जिस फ़ोन को लेकर आया हूँ अनबॉक्सिंग के लिए वो है Realme का C15। जी हाँ, कल लॉन्च किया गया इसको पाकिस्तान की मार्केट में। इसका प्राइस टैग है 20,999 रुपये। द फोन कम्स अप विद सम गुड स्पेक्स, और अगर बात की जाए स्पेक्स की तो ये फ़ोन आता है Qualcomm के Snapdragon 460 के साथ। वी हैव 6000 mAh बैटरी, देन वी हैव 6.5 इंचेस मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन, 13 मेगापिक्सल का कैमरा और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो इस फ़ोन की जो प्राइस है 20,999, क्या वो इसको जस्टिफाई करेगी या नहीं? जल्दी से चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं C15 की अनबॉक्सिंग की तरफ। जी तो प्रो पाकिस्तानी, ये है Realme C15 का बॉक्स, और पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो नहायत ही ज़बरदस्त, सिंपल और एलिगेंट सी पैकेजिंग है। 6000 mAh की बैटरी के बारे में मेंशन है, C15 मेंशन है, Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर है इस फ़ोन में, और Realme की ब्रांडिंग साइड पे भी मेंशन है और बॉटम पे भी। और अगर बैक की बात करें तो इस फ़ोन के कुछ मेन फीचर्स जिनमें 6000 mAh की बैटरी, 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और काफ़ी कुछ। और कलर की अगर हम बात करें तो मरीन ब्लू कलर हमें देखने को मिल रहा है। जल्दी से अगर इस फ़ोन को अनबॉक्स करें और देखें कि इस फ़ोन के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो क्या है और मरून ब्लू कलर हमें कैसा देखने को मिल रहा है, तो आइए जी जल्दी से इसको अनरैप करते हैं और उसके बाद इस डिवाइस को हम ज़रा बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। तो Realme के इस फ़ोन के अंदर हमें Snapdragon देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें MediaTek Helio G35 होगा। एनीवेज, बॉक्स के अंदर एक पैकेज मिला है जिसके अंदर हमारे पास पेपर वर्क और बैक का जो प्रोटेक्शन केस है वो है। इट्स अ नॉर्मल क्वालिटी केस बट इट्स गुड टू हैव अ यू नो सेफ्टी, बिकॉज अगर फ़ोन ड्रॉप हो जाए तो इश्यूज होते हैं। डिवाइस की तरफ हम बाद में आते हैं। अगर बॉक्स के बाकी कंटेंट्स की हम बात करें तो हमारे पास एक 18 वॉट का चार्जर है। जी हाँ, आई थिंक ये 18 वॉट का ही है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक USB केबल है, जो मैं देखता हूँ कि कौन सी है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड USB केबल देखने को मिल रही है। तो प्रो पाकिस्तानी, डिवाइस को अनरैप करते हैं और देखते हैं कि मरीन ब्लू कलर जो है वो कैसा है। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की लुक दे रहा है। बैक की अगर हम बात करें तो पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन डिज़ाइन अच्छा है इसका, Realme इसी डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करता आ रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिलता है, क्वाड कोर कैमरा सेटअप है इसका। ब्रेकडाउन में आगे जाके आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास LED फ्लैश है, ये आई थिंक एक यूनिबॉडी डिज़ाइन है। यहाँ पे हमारे पास पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, और उसके अलावा हमारे पास सिम ट्रे, और बॉटम पे हमारे पास स्टैंडर्ड USB जो चार्जिंग पोर्ट है वो है। उसके अलावा 3.5 mm हेडफोन जैक, नॉइस कैंसिलेशन माइक्स और स्पीकर ग्रिल है। जल्दी से इस फ़ोन को ऑन करते हैं, सेटअप करते हैं और फिर इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जी तो प्रो पाकिस्तानी, इस डिवाइस हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है Realme C15। और सबसे पहले अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो हमारे पास 6.5 इंचेस की HD+ स्क्रीन देखने को मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 88.7% है। और यहाँ पे हमारे पास एक ड्यू ड्रॉप या वाटर ड्रॉप नॉच सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक 8 मेगापिक्सल का है। इस फ़ोन के अगर कैमरा सेटअप की बात की जाए तो Realme C15 में आता है क्वाड कैमरा सेटअप। और अगर इसका ब्रेक डाउन किया जाए तो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जो कि F2.2 अपर्चर के साथ आता है, HDR सपोर्ट करता है, स्लो मो है। और उसके बाद हमारे पास एक अल्ट्रा वाइड लेंस है जो कि 8 मेगापिक्सल का है,
देन हमारे पास 2 मेगापिक्सल के यू नो रेट्रो BMW लेंसेज हैं, बेसिकली मैक्रो डेप्थ सेंसर्स हैं जो कि इसके क्वाड कैमरा सेटअप को कंप्लीट करते हैं। फ्रंट कैमरा का जो 8 मेगापिक्सल है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और अगर बात करें कैमरा के अंदर इस्तेमाल होने वाले मोड्स की, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं जिनके अंदर वीडियो, नाइट, पोर्ट्रेट और मोर के अंदर हमारे पास टाइम लैप्स, एक्सपर्ट और पैनोरामा भी है। नाइट फोटोग्राफी भी है इस फ़ोन के अंदर और सेल्फी कैमरा में भी आई थिंक सेम ही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इस फ़ोन का जो हाईलाइटेड फीचर है वो इस फ़ोन की 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, और अगर मैं उसका ब्रेक डाउन करूँ तो 44 आवर्स तक आप कॉन्स्टेंट कॉल्स ले सकते हैं, 119 घंटे के लिए म्यूज़िक और इसी तरह 26 घंटे आप ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हैं। मतलब इस फ़ोन की जो बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन है, बैटरी लाइफ की ऑप्टिमाइजेशन है, उसको भी काफ़ी हद तक ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है। दैट मीन्स कि 6000 mAh की बैटरी तो है बट उसके साथ ऑप्टिमाइजेशन भी दी गई है। इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन है, 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस करता है, ओक्टा कोर प्रोसेसर है। रिव्यू में हम इस प्रोसेसर को सही तरह टेस्ट करेंगे, गेम्स वगैरह खेलेंगे और इस फ़ोन पर लोड डालेंगे और चेक करेंगे। तो प्रो पाकिस्तानी, अगर रियलमी C15 की बात की जाए तो यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी, रिवर्स चार्जिंग, 48 डे सुपर लॉन्ग स्टैंड बाय का टाइम, 6.5 इंचेस की मिनी ड्रॉप स्क्रीन जो कि HD+ है, अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा, सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। इट सीम्स लाइक अ गुड डील, 21-22 हज़ार रुपये में ऐसी डिवाइस एक अच्छा स्टेप है कि मोबाइल कम्युनिटी जो है वो कंज्यूमर स्पेशली जो कम्युनिटी है जो कि कम प्राइस के अंदर अच्छी डिवाइसेस देख रही है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।